आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे अडानी स्टॉक के बारे में, जहां मेनली एफपीओ को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे लोगों का क्या मानना है कि अडानी अब यहां से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ भी ट्रेंड हो रहे हैं। हमने देखा कि जो पॉलिटिक्स न्यूज़ को कवरेज कर रहे थे वो इस समय बिजनेस न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। हिंडेनबर्ग ने जो रिपोर्ट करा था उसको आपने भी शायद पढ़ा ही होगा, जहाँ आपको मैं बता दूँ हिंडेनबर्ग के बारे में, वो 5-8 इम्प्लॉई का एक ग्रुप है, एक समूह है, जो रिसर्च करके किसी कंपनी को शॉर्ट करने के बाद रिसर्च पब्लिश करता है। और ये अमेरिका और चाइना के अंदर कॉमन है, इंडिया में थोड़ा आपको नया दिख रहा होगा, तो इसके भी आदि बन जाए आगे आने वाले समय में। जिस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंडियन मार्केट ग्रो हो रहा है, तो इस प्रकार के बहुत सारे फॉरेन रिपोर्ट आते हुए दिख सकते हैं शॉर्ट सेलर के द्वारा। यहाँ मैं अगर आगे आपको दिखाऊँ तो, और मुझे नहीं लगता है कि हिंडेनबर्ग ने बहुत बड़ा अमाउंट शॉर्ट कर रखा है, उसका इतना ज़्यादा औकात नहीं हो सकता है, 1000-2000 करोड़ के शॉर्ट किए होंगे, इससे ज़्यादा का मेरा मानना पर्सनल नहीं है। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो एडिशनल जो अडानी पोर्ट में 0.56% प्लेज होते हुए दिखे हैं कैटलिस्ट ट्रस्ट शिप के द्वारा। लेकिन मैं अगर ओवरऑल, बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि सर अडानी स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो अडानी पोर्ट है, अंबुजा है, अडानी विलमर है, ये सभी कैश फ्री, कैश फ्लो फ्री वाले स्टॉक हैं, साथ में डेट भी लगभग नहीं के बराबर ही है, तो ये सभी स्टॉक आपको अगेन टर्न अराउंड होते हुए दिखेगा, बिल्कुल पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत अडानी टोटल और अडानी गैस में बहुत सारे लोग थोड़ा फंसे हुए हैं और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहां देखेंगे तो जहां हमने देखा था कि 20% के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन अर्ली मॉर्निंग होते हुए दिखा था, और वहीं मैं आगे आपको दिखाऊं तो इस समय देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन 0.8x यानी 80% तक सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखा है, जिसमें सबसे बड़ा एक बड़ी न्यूज कल हमने अबू धाबी से देखा था, जहां IHC इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने 3200 करोड़ के निवेश की बात कही थी और वो आते हुए दिखा है। इसके साथ ही आई होप कि आपने टेलीग्राम को फॉलो कर लिया, मार्केट साइंटिस्ट के नाम से जो टेलीग्राम है, वहां पे बहुत इंफॉर्मेटिव मैसेज आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश करता हूं। टाटा मोटर्स इस समय रडार पे होना चाहिए, व्यू हमने पॉजिटिव कहा था। यहां देखेंगे हमने आपको 42,200 के कॉल दिए थे और ये एक मल्टीबैगर कॉल रहा है। मैं आपको कॉल कम दूंगा लेकिन मल्टीबैगर दूंगा। अगर आप मेरे पेड ग्रुप से नहीं भी जुड़े हैं तो फ्री के टेलीग्राम से भी आप बेहतर पैसा बना सकते हैं और बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो यहाँ आगे बात को ले चले तो ओवरऑल देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेज अभी भी अपने एफपीओ के नीचे ही प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और रिटेल ट्रेडर का दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। लेकिन बिल्कुल ओवरऑल मार्केट में पैनिक नहीं करें, कल बजट है, थोड़ा बच के ही ट्रेड लेंगे। और जैसा कि हमने कहा AWL अगर आपको 410-30 मिले बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है। अडानी पोर्ट को देखिए तो 530-50 मिले तो अपॉर्चुनिटी है, अंबुजा 350 के आसपास का भी मिले तो अपॉर्चुनिटी है, अडानी पावर लेना है 160-180 मिले तो अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार के प्राइस पे आप धीरे धीरे एवरेज आउट कर सकते हैं।